हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग देता है। 18,163 पर मार्केट ओपन होती है और वहीं पर ही अपने दिन का लो बना लेते हैं 18,150 का, जो हमारी एग्जैक्ट सपोर्ट हुई थी। और उसके बाद वहां से हमें बाउंस देखने को मिलता है, फिर हमें एक डिप देखने को मिलता है और फिर से मार्केट ऊपर की साइड चली जाती है। मार्केट का हाई बनता है 18,251 का और मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,232 की। एक अच्छी क्लोजिंग जो होने वाली है। इसी के साथ साथ अगर हम FIs और DI डाटा की बात करते हैं तो FIs ने आज 628 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर DI ने 350 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर माइनर सा है तो दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहां पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दी जाती है, वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होता है। अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम करें। इसी के साथ साथ अगर आपको म्यूचुअल फंड में या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ का हो, टर्म का हो, जनरल इंश्योरेंस हो या फिर मोटर का इंश्योरेंस हो, कोई भी आपको इंश्योरेंस करवाना हो या म्यूचुअल फंड खुलवाना हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप भर के सबमिट कर दीजिएगा। टीम आपके साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। इसी के साथ साथ अगर हम कल के मार्केट की बात करते हैं, वैसे कल की मार्केट की अगर हम बात करें, सिर्फ एक 2 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की थी, लेकिन उस 2 मिनट की वीडियो में भी आपको काफी यूजफुल, आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रह चुकी होगी अगर आपने प्रॉपरली उस वीडियो को देखा होगा। बिकॉज उस 2 मिनट की वीडियो ने ही आपको 2 ट्रेड्स इनिशिएट कर दी थी और वहां पर हमें अच्छा एक 70 से 80 पॉइंट का मूव दोनों बार मिल चुका है। क्या ऐसा हर बार होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मार्केट की कृपा है कि हमें पिछले 2 वीक से मार्केट लगातार हमारे लेवल्स पर आ रही है और वहां से हमें एक मूव देखने को मिल रही है। हर बार हमारे लेवल्स आएंगे ये जरूरी नहीं है, और अगर नहीं आते हैं तो हमें वहां पर काम करने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग या सेलिंग की ही बात कर रहा हूँ, बिकॉज वहां पर अगर हमारे लेवल्स आते हैं तभी हमारी कॉल्स इनिशिएट होती हैं और वहां पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डिसाइड हो जाता है। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है, हमारा खुद का माइंड सेट तैयार ही नहीं होता कि हमें इस लेवल पर बाय करना है या सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी सपोर्ट आ रही है, जैसे कि कल के दिन थी 18,150 की, तो वहां पर आकर हमें ये ही नहीं पता होता कि हम जहाँ पर नीचे की साइड सेल करें या फिर ऊपर की साइड के लिए बाय करें। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाते हैं कि अगर हमारे पास सपोर्ट आती है तो वहां पर हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, हो सकता है हिट हो जाएगा, बट वहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि वो स्टॉप लॉस हिट हो। और उसी तरीके से अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर जा रही है तो वहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि वहां से मार्केट रिवर्स ले सकती है। जैसे सिर्फ इंट्राडे पर्पस ही बात कर रहा हूँ तो वहां पर हमारे पास एक शॉर्टिंग कॉल इनिशिएट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वहां पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन वहां पर हमारी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो हमारे फेवर में आ जाती है। अगर मान लो कि हमारा 10 में से 6-7 बार हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं और 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, फिर भी हम अच्छे प्रॉफिट में रह जाते हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस होता है छोटा सा और टारगेट हमें बड़े बड़े वहां से मिल जाते हैं। आई होप आप लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। इसलिए अपना एक माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। अगर आपको ये चीज ही क्लियर नहीं होगी तो आपको प्रॉफिट करने में वहां पर दिक्कत होगी और आप वहां पर ज्यादातर लॉस ही करोगे। और अगर हम कल के दिन लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है 18,100 से 18,150 की रेंज। 18,150 का लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज वहां पर 200 EMA भी है। और अगर अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है 18,300 का। अब अगर मैं आप लोगों का माइंडसेट जहां से सही करने की कोशिश करूं, अब मान लो कि मार्केट 18,300 के पास जा रही है, वहां पर हमारे पास पुट बाय करने का ऑप्शन आ जाता है कि हमें वहां पर शॉर्ट करनी चाहिए मार्केट को, जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वहां पर 30 से 40 पॉइंट का। 18,330 के ऊपर जाती है मार्केट तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अब हमें वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए। और उसी तरीके से अगर मार्केट 18,150 तक आती है तो वहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि जहां पर हमें कॉल बाय कर लेनी चाहिए या फिर अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो वहां पर हमें पुट सेलिंग कर देनी चाहिए। रीजन सिंपल है, माइंडसेट क्लियर है
तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी वहां पर आ जाती है और हमारे पास लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। स्टॉप लॉस फिर वहां से हमारे पास 30-40 पॉइंट का हो जाता है। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि इस चीज को अच्छे से डिटेल में कैसे समझना चाहिए, तो आप लोगों के लिए आई बटन में मैं लिंक डाल देता हूँ जहां पर ऑप्शन बाइंग की सिंपल स्ट्रेटेजी वाली वीडियो रहने वाली है। उसे एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। और एट लास्ट में अगर मैं साफ पॉलीमर्स आईपीओ के फाइनल डिसीजन की बात करूं, इसमें मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है, तो देखो बींग एंड डिफेंसिव मैं इस आईपीओ को इजिली अवॉइड करने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो ये आईपीओ -10 से +15 के बीच में कहीं पर भी खुल सकता है, इसके ऊपर नीचे नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन अगर हम आज के बेस पे सिनेरियो को चेक करते हैं ना, जो भी आईपीओ के रिलेटेड हमारे जो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि वैल्यूएशंस वगैरह या फिर इसके फाइनेंशियल्स वगैरह, और उसी के साथ साथ मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आज के टाइम पे -10 से +15 के बीच कहीं पर भी खुल सकता है, तो बींग एंड डिफेंसिव मैं इस आईपीओ को इजिली अवॉइड करने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं चेन्नई कैटेगरी में बात करूँ तो वहां पर तो मैं इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। रही बात रिटेल कैटेगरी में बींग एंड अग्रेसिव, तो अगर कल मुझे इसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, एक्चुअली जो अभी तक का रिस्पॉन्स है वो आईपीओ का साइज काफी ज्यादा छोटा है, तो उसकी वजह से हमें एक ठीक सा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बट फिर भी अगर ये आईपीओ चेन्नई में और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट अगर 30x टाइम से ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तभी मैं वहां पर जाकर रिटेल कैटेगरी में बींग एंड अग्रेसिव कुछ नामों से इस आईपीओ को अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो भी मेरा फाइनल डिसीजन रहेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।